जिला कुल्लू के तेगू बेहड़ अस्पताल और लग घाटी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर भुट्टी को एक एक एम्बुलेंस की सौगात मिली है। कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने एम्बुलेंस की सौगात उपलब्ध करवाने में जनता के हित में सराहनीय कार्य किया है। यह एम्बुलेंस इन्हीं क्षेत्रों में आपात स्थिति में मरीजों को सेवाएं प्रदान करेंगी। इसके लिए स्वास्थ्य खंड जरी की BMO डॉक्टर सपना ने विधायक का धन्यवाद किया है। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि तेगू बेहड़ अस्पताल के लिए रूपी घाटी, खोखण, महाराज, कोटकंडी, कोठी, द्रंग, बाली चौक के लोग उपचार के लिए आते हैं। वहीं लग घाटी के भुट्टी स्वास्थ्य केंद्र में भी एम्बुलेंस की सख्त जरूरत थी, इसे पूरा किया गया है। की है किस तरह से जो है यहाँ पर सुविधाएं मिलेगी, तेगू बेहड़ अस्पताल की बात करें तो कहाँ बजट का प्रावधान कहाँ से किया गया है जो इस चीज के लिए यहाँ पर आज डिस्ट्रीब्यूट की गई है? देखिए, आज के दिन में ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तेगू बेहड़ में जो हमारे BMO मैडम है, इनकी सुपुर्द हमने दो ये एम्बुलेंसेस की है और ये एम्बुलेंसेस डेडिकेटेड एक रहेगी तेगू बेहड़ हॉस्पिटल के लिए और एक हमारी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर भुट्टी है उसके लिए ये डेडिकेटेड रहेगी। और मुझे आज के दिन में, क्योंकि जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा तेगू बेहड़ का क्षेत्र है और जिसमें कि खास तौर पे पूरा आप देखिए तो रूपी घाटी के लोग और यहाँ पे खोखन कोठी है, महाराजा कोठी है और कोटकंडी कोठी है, ये सारे लोग यहाँ पे आते हैं। इवन द्रंग से लेकर आप बाड़ी चौकी तक यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे खास तौर पे ये जो एम्बुलेंस की सुविधा का होना मेरे ख्याल से काफ़ी लाभप्रद रहेगा यहाँ के जनता के लिए और ये डेडिकेटेड रहेगी इसी क्षेत्र के लोगों के लिए। और इसी कड़ी में भुट्टी जो लग वैली का एक सेंटर है वहाँ पे भी एम्बुलेंस की बहुत कमी थी, उसे भी पूरा करते हुए हमने एक एम्बुलेंस वहाँ पे भी दी है और मैं बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे ये हेल्थ हीरोज़ हैं, खास तौर पे जिन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है, उसमें आप पत्रकार बंधु भी हैं, अन्नपूर्णा चैरिटेबल ट्रस्ट भी है और हमारे सभी पंचायत के प्रतिनिधि यहाँ पे जो आए हैं, खोखण पंचायत से, तेगू बेहड़ से आए हैं, हमारे शमशी पंचायत से आए हैं। और दिव्य हिमाचल TV के लिए भुंतर से संदीप काचरू की रिपोर्ट।